कह रहा है 19 रुपए दे दो भाई रिचार्ज करना, मैच माई इलेवन में पैसा लगाया, जीत जाएंगे तो कल थार लेने चलेंगे ना। भाई सोच, मतलब सोच देखो लौंडे की कितनी बड़ी है। अगर हम एक को भेज रहा हूँ, एक गौरव ही हम लोग समझ लो, एकदम गौरव को भेज दे, गौरव को आ रहा है ठीक है, तो जब थोड़ा सा कुत्तों तो भी फेंकना, तो उसमें तो दो चार चावल भी डाल के फेंक देना। दो चार थोड़ा सा चावल डाल के फेंक देना, ताकि जो है हड्डी का हड्डी में कुछ नहीं मिले, चावल से काम चला लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, फेंकने पता कहाँ फेंकने आ रहे बता दो, वहीं पे आ जाएंगे हम लोग। टू माई व्लॉग चैनल, कैसे आप सभी लोग गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने गौरव भाई के पास, और आज ना बहुत सारी बातें करनी है अभी हम लोगों को, तो अभी फिलहाल तो गौरव से मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि हमने ड्रीम माई इलेवन पे हम लोगों ने पैसा लगा रखे हैं, प्लेयर खरीदे हैं खूब सारे, और जो है हमारी टीम खेल रही है, लेकिन अभी बहुत अच्छा प्लेयरिंग नहीं चल रही है। अभी हम गौरव भाई से मुलाकात कराते हैं आपकी, इनने भी लगा रखा भाई पैसा माई इलेवन पे, और हारने की तादाद पे हैं पूरे, इस लग रहा बातचीत चल रही है। कहाँ भाई, क्या हम कह रहे हैं चले तार लेने चले माई इलेवन के साथ। इतना हरामी इंसान, मैं कह रहा हूँ बाहर हूँ दोस्त के पास, बता चेक कर रही बात कर रहा है, बताता हूँ। नहीं नहीं क्या वो कट गया गाइस, पता इतना हरामी इंसान है, कल शाम में फोन करके कह रहा है 19 रुपए दे दो भाई रिचार्ज करना, मैच माई इलेवन में पैसा लगाया, जीत जाएंगे तो कल थार लेने चलेंगे ना। भाई सोच, मतलब सोच देखो लौंडे की कितनी बड़ी है, अगर हम थार जीत जाते हाँ, तो फिर 1 करोड़ रुपए अपने जेब में होता, फिर तो तुम 19 से छोड़ो, तुम नंबर ही बदल देते अपना। उसकी माँ का कोई टेंशन नहीं, कभी कुल्लू घूम रहा है कभी मनाली, जेब में पैसे ही पैसे है। ये बात तो सही कह रहे हो, अब यार आज वाली टीम हमारी खराब जा रही है यार, दो प्लेयर नहीं खेल रहे उसमें दिखा रहा है, तुम्हारा सही चल रही है, हमारी क्या गाना मारा रहे तुम साले, हमें लग रहा है कि डुबाने वाली टीम, मराने का मन हो गया ना उनका, तभी डुबाने वाले टीम पे दियो, हो सकता है लास्ट वाला मैच हम जीत जाएं, तुम्हारी सही चल रही है, कॉलोनी के अंदर ले लो ना, चलो आओ कॉलोनी के अंदर घुमा लेते हैं गाड़ी को। दादा अभी ना हम लोग ने जिसमें माई इलेवन पे हम लोग ने पैसा लगाए हुए हैं ठीक है, जो टीम हम लोग की बढ़िया, जो जिस प्लेयर उम्मीद थी बढ़िया चल रहा है, साले आउट हो गए, वो गोवा गणेश हो एकदम चल ही रहे हैं, इस भाई का बढ़िया चल रहा है, एक अपोजिट टीम हम थे और एक टीम उसने लिया, अलग अलग दोनों टीम लिए है, अगर दोनों से कोई भी टीम जीती ठीक है, तो आधी थार इसकी आधी थार अपनी, थार मिलेगी या कैंसिल हो जाएगी ये नहीं पता। थार मिलेगी ऐसा नहीं, थार लगाते रहेंगे, जब तक थार ना मिले तब तक लगाते रहेंगे, सही बात। वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2 लाख रैंक में जो है कितने 75 रुपए है ना, हाँ तो ठीक है 75 ही मिल जाए बहुत है भाई, कुछ तो मिले 49 लगा के 20 रुपए कमाए हम लोगों ने, इतना ही बहुत है। देखो भाई छोटू को सामने से, ये देखो इसे क्या कर रहा है, ये छोटू कह रहा आज मैंने पागल हो गया भाई धूप में, ये देखो भाई, ये देख रहे हो हरकतें, देखो भाई क्या कर रही है, घास से छिलता हुआ आ रहा है छोटू, यहाँ बेटा कहाँ जा रहे हो, हमारी ना थार आने वाली थी, हमने सुबह किस पे पैसा लगाया था, माई इलेवन में हम लोगों ने पैसा लगाया था, थार आने वाली है, तो फाइनली हम लोग का हुआ ये कि दोनों जिस टीम पे हम लोगों ने लगाए थे, वैसे तो बहुत बढ़िया खेलते हैं, जो चीज़ भी हो यार ट्रेडिंग हो या कोई भी हो बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन जिस चीज़ पे हम लोग पैसा लगाते हैं वो भैंचो डूब जाता है। अच्छा खासा टीम चल रही थी, हम लोगों ने पैसा लगाया, वो टीम डूब गई, कोई बात नहीं, लेकिन थार हम लोग की बुक हो गई, ऑर्डर हो गई है, बस ये है कि डिलीवरी के लिए एड्रेस देना बाकी है उसको, अब जो भी मैच जीतेंगे हम लोग और उसमें जो है एड्रेस आ जाएगा, बस आनी आ जाएगा, 2-4 दिन में थार आ ही जाएगी घर, कुछ अभी भी फोन आया था यार ट्रक में, अच्छा आया था फोन, क्या कह रहा है ट्रक वाला, एड्रेस दे दो। ऐसे हम लोग सुबह 5 बजे जो है पैदल टहलते हैं, कल माता चुप थार से, सपने बड़े भाई, 1 रुपए में थार चाहिए हम लोगों को, कॉन्फिडेंस लेवल देखो केवल, तुम लोगों के 10 रुपए लगा के 1 करोड़ के सपने देखते हो, वो भी प्लस थार के साथ, वही चीज है, लोगों की चप्पल गिर जाती है, हम 49 रुपए लगा के थार मांग रहे, एडवर्टाइज भी तो ऐसे ऐसे दिखाते हैं, आप 49 रुपए लगाइए और रातों रात अमीर बन जाइए, बेचारे सिर्फ थार के चक्कर में 150 रुपए लगा रखे हैं, फीलिंग इमोशन के साथ खेलते हैं, एक रुपए कर करके 150 रुपए फूंक दिए, लेकिन थार तो नहीं आएगी, वो जरूर अमीर हो जाएंगे इसके चक्कर में,
इसको देखो डरो भैया डर गया यार, उसको मैं कब्जा करके तो एक करोड़ नहीं मिले, लेकिन पता चला फिरौती में तुम एक करोड़ मांगने के फिराक में हो, पता चला सुबह हमारे नाम पे करोड़ आ रहे उसको किडनैप करके भेजो, हाँ मैं इसका ये बोल रहा हूँ किडनैपर निकाल दिया तुम्हारा मेरे कब्जे में, एक करोड़ रुपया अभी ले जाओ। हाँ यार सही कह रहे भाई, गलत बात है, ऐसा नहीं करते हैं। अब ये कौन है गैस दिखाओ, फोन फोन करो, बिरयानी खाओगे बताओ? हाँ भाई बिरयानी खाओगे, अच्छा मंगा रहे तुम्हारी बिरयानी, फ़ोन करना हमको, फोन कहाँ है गाइज? इस हम लोग ना बड़ी देर से बिरयानी तड़प लें, ठीक है? तो अब पैसे तो है नहीं, फ्री की बिरयानी मंगा रहे गौरव भाई के लिए, यानी 35 किसको मिला रहे हो बे? 58 72 बिरयानी खाना ही नहीं, बताओ भाई क्या लगा दिया, किसको लगा रहा भाई जेल वोल पहुँचाएगा क्या? बिरयानी वाले लगा रहे हैं फ़ोन, रुक जाओ मंगवाते बिरयानी। हेलो जी कौन? अरे बादशाह बात कर रहा हूँ। अरे मैं कह रहा था यार बिरयानी बची है क्या? बिरयानी बची है क्या? अरे सुनो तो, अरे मैं कह रहा था कि यार, अरे जिसका भी नंबर है सुनो तो, मैं कह रहा था यार देखो ऐसे ना कुत्तों को बिरयानी बाहर हड्डी हड्डी डालो गई, ठीक है? तो जिसमें थोड़ा बहुत लगा हो बचा हो वो हम लोग को दे दे रहा, बाहर बैठे हुए एक को भेज रहा हूँ, एक बाहर ही हम लोग समझ लो एकदम, गौरव को भेज दे, गौरव को आ रहा है, ठीक है? तो जब थोड़ा सा कुत्तों तुम्हें फेंकना तो उसमें तो दो चार चावल भी डाल के फेंक देना। गजब बेइज्जती है मैं इनको। दो चार थोड़े से चावल डाल के फेंक देना ताकि जो है हड्डी हड्डी में कुछ नहीं मिले, चावल से काम चला लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है फेंकने, पता कहाँ फेंकने आ रहे बता दो, वहीं पे आ जाएंगे हम लोग। अच्छा तो घर के सामने फेंकोगे? लोकना किधर से, कैच किधर से करना? और सुनो तो उसके साथ में थोड़ा पानी गिलास भी रख देना वहीं पे, चावल पानी तुम लोग के लिए तो कोल्ड ड्रिंक आएगी ना। हाँ तो बस वही है ना, बची कुछ कोल्ड ड्रिंक हो थोड़ी सी वही रख देना, क्योंकि यार खाली खाली चावल गले के अंदर जाएगा नहीं ना, इसलिए ना। हाँ बात तो सही है, हाँ वरना हड्डी गले के अंदर नहीं जाएगी। हाँ तो भाई हड्डी फंस जाए ना गले में, इसलिए थोड़ा सा पानी या कोल्ड ड्रिंक रख देना। नहीं और मीठे में कुछ नहीं खाते, मीठे में कुछ खाओगे? बोटी का थोड़ा ध्यान देना। बोटी का थोड़ा ध्यान दे देना खाली। अब बोटी कैसी बची होगी वैसे ही देखिए। नहीं यार थोड़ा पीस अच्छे होने चाहिए। निकाली तो गई है, कुत्तों के लिए देखते हैं। हाँ देख लो, अगर कोई ठीक ठाक बोटी तैयार दे दो, बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे, काम नहीं चल रहा था यार, बिरयानी काम चल ही नहीं पा रहा हम लोगों का। समझ सकते हो ना, वही चीज है यार, देख लो कोई ठीक ठाक बोटी, बेचारा बड़ी देर से कह रहा है, सुबह से कह रहे बिरयानी खिलाओ, कहाँ जाए, दुकान बंद है सारी, कहीं भंडारा नहीं चल रहा है। हाँ सोच रहे हैं कि ठीक है चलो, अब तुमने कहा अब हम गेट के बाहर आएंगे तो मांग लेंगे, अब अभी अरे तो क्या हुआ, अब हम लोग जाते हैं अकेले चल, देखो यार बॉडीगार्ड्स भी होते हैं, बाउंसर भी होते हैं, और भी लोग होते हैं, फैंस होते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना होता कहीं जाएंगे तो भाई कम से कम 20-25 लोग आए ना, अफोर्ड नहीं कर पाता हर कोई हम लोगों को, इसलिए हम लोग नहीं जाते कहीं ज्यादा लोग। तुम बदनाम हो गए, नहीं जा सकते। बदनाम नहीं है भाई, नाम है इसलिए जा नहीं सकते कहीं। और क्या भाई, तो ठीक है फिर हम लोग आ रहे, तुम हड्डी रात तो बाहर सजा वजा रखो कायदे से, थोड़ा साफ जगह रखना, ठीक है? गंदी जगह ये, अरे यार गुलाब के फूल, ये तो गजब बेचने के बाद एकदम अच्छे से फरमान भेजा हुआ है, कहीं पहले रोड के बाद डाल दिया। नहीं यार ऐसा मत करो, गुलाब के फूल जरूरत नहीं है हम लोगों को, हम लोग खाली हड्डी से काम चला लेंगे। तो फिर काम करो ना, दस्ता खानी वहीं पे लगा देना रोड पे, वहीं बैठ के खा भी लेंगे। हाँ पेपर वेपर लगा देना अच्छे से, तभी खा पाएंगे। वही चीज है यार, ठीक है बस हम लोग आ रहे हैं, तुम बाहर निकाल लो, बस आ ही रहे हैं, बस गाड़ी घुमा गाड़ी बैक कर चाबी किधर है?